इमरान क्या इमरान भाई, इस बार का मुद्दा है क्या? मुद्दा एजुकेशन का है। हम जिस सरजमी पर इस वक्त खड़े हुए हैं, ये इसका नाम सिराज ए हिंद जौनपुर है, और यहाँ तालीम का मरकज़ हुआ करता था सर की हुकूमत में, मगर आज यहाँ तालीम यहाँ से कोसों दूर है। दूसरा जो रोज़गार का मुद्दा है, यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर वाराणसी है, वहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, मगर हमारे यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते हैं। इस पर यहाँ समाजवादी का भी विधायक रहा, कांग्रेस का भी विधायक रहा, बीजेपी का विधायक रहा, मगर रोज़गार पर किसी ने काम नहीं किया। अगर इसको टूरिज्म से जोड़ दिया जाए तो यहाँ होटलिंग के बिज़नेस, तमाम बिज़नेस फरोग होंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ रोज़गार मिलेंगे। आज हमारा नौजवान यहाँ से मुंबई जाता है, वहाँ तड़ी खाता है, उसको भैया बोला जाता है। अगर हम यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा करें तो मुंबई से लोग यहाँ आकर के रोज़गार देंगे, हम महाराष्ट्र के लोगों को रोज़गार देंगे, मगर ये यहाँ नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं। जहाँ तक लोग कह रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जहाँ तक मुद्दे की बात है, ये सही है कि 74 सालों में मुल्क के तमाम पार्टियों को हमने वोट किया, बीजेपी को कभी नहीं किया, और बीजेपी समाजवाद, बीजेपी ने हमको डराया है, और समाजवादी बसपा कांग्रेस हमको डरा करके वोट लेती है, दोनों की पॉलिसी एक है। अब तो देखिए मुसलमान इस सूबे का वो हिस्सेदारी चाहता है, आप हमको हिस्सेदारी दो, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अगर 7% यादव है, 21% मुसलमान है, तो अगर 7 नौकरी यादव को मिलनी चाहिए तो 21 मुसलमान को मिलना चाहिए। ये मुद्दा है यहाँ का। हम कब तक वोट करेंगे? कौन देगा हिस्सेदारी? कौन देगा हिस्सेदारी? कोई नहीं दे रहा है, सारे लोग दरी बिछवा रहे हैं, सिर्फ हिस्सेदारी की बात ही कोई नहीं कर रहा है। आज क्या है, दाढ़ी टोपी रखे हुए हैं, मन से ढकेल दिया जा रहा है, क्या है ये? नहीं, आप दीजिएगा, मगर ये है क्या? ये एक मुसलमान का दर्द है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान। NCP हो, RJD हो, RLD हो, जितनी भी सेकुलर जमाते हैं, सारे लोगों ने ठगा है। आप हमको देते क्या हो 74 साल में? अगर ये जवाब देंगे 74 साल में दे दिया हो हमको, तो बताएं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं नौकरी मिली हमको? अगर मैं 8 पास हूँ तो मुझे चपरासी की सफाई कर्मी की मिलनी चाहिए थी। यादव समाज आज कैसे इतना ज़्यादा वो हो गया, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। यादव समाज के पास आज उसके मडगार्ड नहीं होते थे, साइकिल में ब्रेक नहीं होती थी, आज वो कलेक्टर से लेकर के सिपाही तक है। मेरे पास क्या है, आप हमको ये मेरा जवाब बताइए। हमारा अभी भी आज के पे नहीं है, एजुकेशन में हाशिए पर है, सारे लोगों ने लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, आप पूरा हिंदुस्तान फिर रहे हैं, फिर ये बताइए कि अगर 70 साल में मुसलमान का विकास नहीं हुआ तो कैसे मुमकिन है? क्योंकि ओवैसी साहब एक लीडर हैं, उन्होंने अलख जगाने का काम किया है, लोग समझ रहे हैं। आज ये हमको हिस्सेदारी नहीं देंगे, कल के दिन ये घुटने के बल आएंगे हमको देने के लिए, और कहेंगे ठीक है। अब मुझे बताइए, जौनपुर में मुस्लिम वोट कितना काम करता है? मुस्लिम वोट काम करता है, सारे काम कर रहा है, तभी तो देखिए समाजवादी कांग्रेस से लेकर के बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया ताकि गिरीश यादव का रास्ता साफ हो जाए। बीजेपी को मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए 2017 में नदीम जावेद साहब यहाँ से कांग्रेस के और समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार थे, इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट थे, हार गए। पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी बैकफुट पर चली गई, सरकार में रहने वाली पार्टी बैकफुट पर चली गई। किसकी कमियों से आज बीजेपी आई? योगी आदित्यनाथ जी आज चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? समाजवादी कमियों की वजह से हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस की कमियों की वजह से आज नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की कमी है ना, हमारी कमी नहीं है ना। मुसलमानों तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट किया, जनसंघ के खिलाफ वोट किया। क्यों खिलाफ वोट किया? सवाल मेरा फिर वही है, मुसलमान गिराने के लिए क्यों वोट करता है? सरकार बनाता क्यों नहीं है कभी? वेरी गुड बात है, मैं ये कहता हूँ, देखिए इन्होंने एक बात कही, ये वही काम कर रहे हैं जो RSS और बजरंग दल कर रही है। आप एक बार बताइए, ये 72% की हैदराबाद की सीट के जो जीत के आते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है जहाँ 2%, 4%, 6% मुसलमान रहते हैं, उनको तो हर काम के लिए अपने हिंदू भाई के लिए जाना पड़ेगा। ये बांटने वाली नफरत की राजनीति RSS साहब ने 100 साल किया, 100 साल के भाई भी बाद भी इतनी नफरत फैलाने के बाद भी ये मेरे हिंदू भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, इतनी नफरत फैलाने के बाद भी। और नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान आपने बोला, मैंने बोला, चुप रहिए, खामोशी सुनिए, आप भी आइए। देखिए इस वक्त इलेक्शन जो चल रहा है उसका मुद्दा है गंगा में बहती हुई लाशें। यहाँ हम लोगों ने कोरोना में सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखा, जिनकी लाशों हम लोगों ने लाशों को धो धो के यहाँ से उठाया। और रही हिस्सेदारी की बात रहेगी, तो आजम खान के पास 13 मंत्रालय था, 9 मंत्रालय था, उनके पास हिस्सेदारी नहीं थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया था, आप ठेकेदार हो मुसलमानों के। और रहेगी यह मेडिकल, इस मेडिकल, लेकिन सवाल जायज है, कितने परसेंट मुसलमान इस वक्त सरकारी नौकरी में बचे? देखिए जायज, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमने वादा किया 25 लाख नौकरी का काम करेंगे हम,
हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार थी, हमने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया भाजपा के राज। मुसलमान मतलब सारी पार्टियों में बटा हुआ है कुल मिलाकर।